ये रजिस्टर क्या है जी आपने पाई? ये है डिस्टेंस की करनाल जिले में 10वीं और 12वीं की जो स्कूल परीक्षाएं चल रही हैं, आज उस सिलसिले में हमने कई स्कूलों की चेकिंग की। बला, सालवान, गंगाठेड़ी और जो भी स्कूल आसपास, उसको हमने चेक किया और पाया कि स्कूल में मोर और लेस जो है एग्ज़ाम प्रोसेस शांतिप्रिय थी। किसी भी तरह का कोई व्यवधान था नहीं, किसी भी तरह की नकल या इस तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त की जाएगी। हरियाणा सरकार और पूरा जिला प्रशासन इसके लिए बिल्कुल कृतसंकल्प है और कोई भी कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति इसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो कड़ी एक्शन लेंगे उसके। एक्सक्यूज नहीं, मंगवा लो फोन करके, मैं आधे घंटे बाद भी तुम्हारे को बिठा दूंगा। आधार कार्ड नहीं है और बार मंगा लो, बार से विराज में आधा घंटा टाइम देगा आपको। आधा घंटे बेटे, आधे घंटा तुम्हारे को दे रहा हूँ, आधे घंटे में निकलवा लो। मोबाइल से मंगवा लो बेटे, घर से जाओ बस। ये भिवानी बोर्ड और ओपन बोर्ड की साथ साथ परीक्षा चल रही है। आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है। सरकार की तरफ से निर्देश अनुसार सख्ती करने के लिए, नकल को रोकने के लिए, मतलब ये स्पेशल चेकिंग लगाई गई है हमारी सीएम फ्लाइंग, और हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यू करनाल नज़दीक पुराना बस अड्डा इसको चेक किया है। ना अभी तक को खामी नज़र नहीं आई। कितने स्कूल और आगे चेक करेंगे? ये तो जैसा टाइम होगा उसके मुताबिक चेक किया जाएगा। जितने निकलेंगे 4 मेंबर हैं टीम में, शीषपाल सब इंस्पेक्टर। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं कक्षा की, और इसको लेकर सरकार काफ़ी सजग नज़र आ रही है। लेकिन कई जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि जो 10th और प्लस 2 का पेपर है रोहतक भिवानी वाली तरफ, वहां पहले ही व्हाट्सएप पर आ जाता है, क्योंकि पेपर 12:30 बजे शुरू होता है और 11 बजे व्हाट्सएप पर कई लोगों को, कई बच्चों को मिल जाता है। लेकिन करनाल की बात करें तो करनाल में इस समय जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो अलग अलग स्कूलों का दौरा कर रही है और देख रही है कि कहीं पर नकल तो नहीं कर रहे हैं बच्चे। कई बार देखने को मिलता है जो सुपरिटेंडेंट होते हैं या जो वहां पर ड्यूटी दे रहे होते हैं टीचर, वही सहयोग कर रहे होते हैं बच्चों का नकल करवाते हुए। हमारे साथ सीएम फ्लाइंग के जो सब इंस्पेक्टर शीषपाल जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे शीषपाल जी, सरकार और प्रशासन पूरी तरह सजग है, नकल रोकी जाएगी? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह सतर्क है, नकल रोकी जाएगी और जगह जगह चेकिंग जारी है। मोबाइल वगैरह जो स्टाफ के भी हो, भी प्रिंसिपल स्टाफ के रूम में रखवा दिए, ऊपर अलाउड नहीं है किसी को भी, एग्जामिनर को भी अलाउड नहीं है। बच्चों के बाहर तलाशी के दौरान बाहर रखवा दिए जाते हैं मोबाइल।
हर बच्चे की तलाशी। तो आपने कोई केस पकड़ा है जो क्या कहते हैं? ना, अभी तक तो नहीं पकड़ा है। तो किसी प्रकार की कोई खामियां पाई गई? कोई खामी नहीं पाई गई। लाइट की थी वो, प्रिंसिपल साहब को नोट करा दिया। कई बार देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह कि व्हाट्सएप पे ही पहले पेपर आ रहा है, तो उसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? किस तरह की शिकायत आपके पास ऐसी आई हो? मोबाइल जमा करवा लिए सबके हमने सर। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास। बाकी साइबर सेल भी अपना काम जारी रखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है, नज़र बनाए रख रही है, और जो टीचर्स के फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन, वो भी पहले रखवा दिए गए हैं, और साथ ही साथ बच्चों की भी चेकिंग की गई है अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बच्चे पर्ची लेकर, नकल लेकर पेपर देने के लिए आते हैं और उसके बाद वहाँ पर नकल करते हैं। तो पुलिस पूरी तरह से सजग है। यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुँची है और ये देख रही है कि बच्चे नकल तो नहीं कर रहे हैं परीक्षा के अंदर, क्योंकि 10वीं का आज गणित का पेपर है हरियाणा बोर्ड का, और उसको लेकर जो प्रशासन है, सरकार है, सीएम फ्लाइंग की टीम है, वो पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए हैं। करनाल ज़िले के अलग अलग स्कूलों में जाकर ये देख रही है कि कहीं बच्चे नकल तो नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई भी खामी नहीं पाई गई है स्कूलों के अंदर। अगर ऐसी खामी पाई जाती है तो सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारे साथ और अधिकारी भी मौजूद हैं, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, पुलिस प्रशासन का अलर्ट है सर। आप कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी है आप? बिल्कुल पूरी तैयारी हमारी, हमने सब कुछ चेक किया है। जो मोबाइल वगैरह थे प्रिंसिपल के रूम में जमा है, हर टीचर को हिदायत दी है कोई मोबाइल अंदर नहीं लेके जाएगा। हर बच्चे की तलाशी ली गई है, कोई खामी नहीं पाई। क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया का युग है, और साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों के अंदर बच्चे कई बार नकल मोबाइल के जरिए करते पकड़े जाते हैं, या कई बार मोबाइल के जरिए नकल करते हैं, लेकिन जो टीचर स्टाफ का जो मोबाइल है वो पूरी तरह से एक बार अपने कब्जे में ले रखा है, रखा हुआ है, वहाँ पर बंद करवा दिए हैं एक लॉकर के अंदर सभी मोबाइल फ़ोन टीचर्स के, और फिलहाल बच्चों की भी अच्छे तरीके से चेकिंग की गई है कि उनके पास कोई पर्ची या नकल तो नहीं है। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर बच्चों को नकल करवाता पकड़ा गया तो उसके बाद उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।